ये तेरी जमीन ये मेरी जमीन सरहदे खा गई ये सारी जमीन। लियो टॉलस्टॉय की एक स्टोरी आई थी, शॉर्ट स्टोरी आई थी। लियो टॉलस्टॉय एक रशियन राइटर थे। 1886 में उनकी एक शॉर्ट स्टोरी आई थी, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, एक शख्स को कितनी जमीन चाहिए जिंदगी गुजारने के लिए या जब तक वो इस दुनिया में जिंदा है। इसमें वो एक शॉर्ट स्टोरी में एक शख्स का जिक्र करते हैं जिसको कहा गया था, इस कहानी का मैं आपको क्रक्स देती हूं, उसको कहा गया था कि सपाक्सा, आप जहां जहां से गुजरेंगे, जहां जहां आपके कदम पड़ते हैं वो जमीन आपकी। अब जो वो शख्स था उसके अंदर लालच थी इस जमीन को पाने की, वो चलता है, बहुत चलता है, और चलते चलते वो कोशिश करता है कि मैं जितना ज्यादा चलूंगा उतनी जमीन मेरी, चलता रहता है, लेकिन आखिरकार वो दम तोड़ बैठता है। तो जाहिर सी बात है उसके हाथ कुछ नहीं आता, और ना ही वो जमीन रहती है और ना ही वो शख्स रहता है। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह की एक कहानी जो आपने मेरे ख्याल से कल सुनी होगी, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कल पेश आया गांदरबल इलाके में, जहां पर एक दो फैमिलीज के दरमियान लैंड डिस्प्यूट चल रहा था और दो फैमिलीज के दरमियान तसादुम उसमें उभरा, और वर्बली लड़ाई नहीं हुई बल्कि फिजिकली लड़ाई हुई, हाथापाई हुई दोनों फैमिलीज के दरमियान। एक दूसरे को मारने पर वो आ गए, उसके लिए तैयार हो गए, और उसकी जद में आ गया एक 65 साल का शख्स गुलाम मोहम्मद शेख नामी, जो बुरी तरह से जख्मी हुआ। इलाज मुआलजे के सिलसिले में उसे PHC मुंतकिल किया गया, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, और वहां पर वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। अब खुद ही आप बताएं, जमीन तो वही है ना, लेकिन शख्स कहीं नहीं। यही होता है आजकल हमारे इस जदीद दौर में, जहां पर एक इंसान इस मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब कुछ चाहता है, सब कुछ अगर हासिल कर भी ले, लेकिन कब तक? आखिरकार उसे मरना ही है, लेकिन इस तरह से मरना कि एक दूसरे के साथ फिर तसादुम, और उसकी जद में एक शख्स आ गया, और 65 साल वो शख्स अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, क्योंकि हम यूं कहें, हम नहीं जानते कि इसको हम कैसा नाम दें, क्योंकि एक दूसरे के दरमियान लड़ाई चल रही थी और इसी जद में वो शख्स आ गया। अब इसमें जो नई डेवलपमेंट है वो ये है, वो शख्स तो गुजर गया, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें इल्जामात कई अशखास पर लगे थे। तो इस हवाले से कल पुलिस स्टेशन गांदरबल में FIR भी दर्ज हुआ था, और 5:30 बजे दरअसल पुलिस स्टेशन गांदरबल को ये मालूम पड़ती है कि गांदरबल इलाके में एक जगह जहां पर ये वारदात पेश आई है, जहां पर इस तरह से फैमिलीज के दरमियान मामला पेश आया है, बोनजिला वुसन में, गांदरबल के बोनजिला वुसन इलाके में, तो उस वक्त पुलिस फिर हरकत में आई और वहां पर पहुंचती है। वहां पर देखती है कि कई सारे लोग जो है लोहलुहान हैं, और इसके साथ साथ एक और शख्स जख्मी हुआ था जिसको फिर पुलिस जिसको PHC गांदरबल पहुंचा दिया गया इलाज मुआलजे के सिलसिले में, लेकिन जो 65 साल का शख्स था वो नहीं बच सका। और जो एक्यूज था, जिस पर इल्जाम आए थे कि इसी ने इस बुजुर्ग शख्स को कत्ल किया है, तो उसको आज पुलिस ने, गांदरबल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये खबर आपने कल जरूर सुनी होगी कि उस जो दो फैमिलीज के दरमियान तसादुम चल रहा था, दो फैमिलीज के दरमियान लड़ाई चल रही थी, उसमें एक शख्स मारा गया। लेकिन आज जो नई डेवलपमेंट सामने आई है वो ये कि कल जो मामला पेश आया उसमें एक एक्यूज्ड शख्स को, जिस पर इल्जाम आए थे, उसको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और पूछगछ होगी, मजीद आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, तब पता चलेगा कि आगे जो मामला है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर, इस तरह की खबरें हम रोज सुनते हैं, और एक इंसान जो है, एक इंसान का जो जमीर है वो बहुत बहुत, एक इंसान तंग हो जाता है, इसका दिल तंग हो जाता है, और ये सोचता है कि ये अब मेरे इर्द गिर्द जो माहौल में किस तरह के मामलात पेश आने लगे हैं। भाई भाई को कत्ल करने पर आमादा होता है, और कुछ वक्त कबल सोपोर इलाके में भी भाई ने भाई का कत्ल किया, फैमिली के दरमियान डिस्प्यूट चल रहा था, तो
इसमें एलिजिडली बाई ने बाई को कत्ल किया। तो खैर नाजरीन ने मोहतरम, इस तरह से फिर पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार किया और पूछताछ इस मामले में भी चल रही थी। फिर बाकायदा देखा जाएगा कि किसने किया किसने नहीं किया। लेकिन ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट मामला जो हम इस हवाले से सुनते हैं या आए दिन इस हवाले से सुनते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब हम ऐसी कोई खबर आप तक ना पहुंचाए, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब हम आप तक ये खबर ना पहुंचाए कि फलानी शख्स को किसी ने छुरी से मारा, छुरी से उसको इंजर्ड किया, अटैक किया उस पर। तो कहीं ना कहीं सब कुछ यही है, लेकिन इंसान की जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात का लकब दिया है, तमाम जितने भी अल्लाह पाक ने इस दुनिया में क्रिएचर्स बनाए हैं उसमें सबसे आला जो रुतबा हासिल है वो एक इंसान को हासिल है, और इसको सोच समझ के बनाया गया था, इसमें दिल अकल जहन वो अता की गई थी ताकि कोऑर्डिनेशन के साथ सिर्फ दिल की ना सुने बल्कि दिमाग को भी साथ रखें, दिमाग और दिल का कोऑर्डिनेशन तवाजुन बरकरार रखें, और उसके बाद वो कोई जो जिंदगी के मामलात हैं उनमें रवा दवा रहें। लेकिन बाज़ दफा हम यहां देखते हैं इस जदीद दौर में है, इंसान कभी दिल से काम लेता है और अकल को भूल जाता है, कभी अकल से काम लेता है दिमाग से काम लेता है लेकिन दिल को भूल जाता है। लेकिन नहीं, अगर इंसान अकल और दिल को तवाजुन बरकरार रखे दोनों का, तो मेरे ख्याल से कई मामलात आसान होंगे और सब्र तहमुल का मुजाहरा करना बहुत जरूरी है। कोई एक शख्स आपको उकसाने पर मजबूर करेगा या कई सारे से मामला जिसमें आप अपना आपा खो बैठते हैं, आप ये सोचते हैं कि यार इसने ये जो बात कही ये गलत बात कही, ठीक है उसने गलत बात कही, लेकिन आपका रवैया क्या होना चाहिए? एक गलत बात पर आप उसको कत्ल नहीं कर सकते, आप उठ के उस पर छुरी से अटैक नहीं कर सकते, आपको सब्र तहम्मुल से उसका मुजाहरा करना है और बातचीत के जरिए से मामलात को हल करने की कोशिश करनी होगी। तब मुझे लगता है कि अगर कल उन फैमिलीज के दरमियान बातचीत के जरिए से मामलात हल हुए होते, ऐसा न हुआ होता तो शायद वो 65 साल जो शख्स है वो इस वक्त जिंदा होता। बाकी जो भी मामलात थे अल्लाह ताला के हद्द-ए-इख्तियार में। अभी के लिए इतना ही, मजीद मालूमात के लिए बने रहे।